देखो एरर्स के अंदर इस शीट के अंदर क्वेश्चन नंबर वन में डाउट, क्वेश्चन नंबर टू में डाउट, क्वेश्चन नंबर थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सिक्स में फॉर्मूला क्या लगाया, सिक्स क्या फॉर्मूला लगाया, टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जे। देखो इस क्वेश्चन के अंदर इफ द लेंथ एंड टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम हैव एरर्स ऑफ 1% एंड 2% रिस्पेक्टिवली, तो आपको परसेंटेज एरर जी में निकालना है। तो सबसे पहले कि वो क्या कह रहा है कि लेंथ में परसेंटेज एरर को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाएगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज 1%। परसेंटेज एरर किसके अंदर, टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड का मतलब डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 जो कि कितना गिवन है 2%, और आपको क्या निकालना है डेल्टा जी बाई जी इंटू 100। क्या ये पॉइंट क्लियर है, क्या निकालना है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने किया था पेंडुलम का, टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी किया था, क्योंकि हमें डेल्टा जी बाई जी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले से स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करके जी को एक तरफ लेके आएंगे और बाकी टर्म्स को एक तरफ लेके आएंगे कुछ ऐसे। अब लगाएंगे डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस टू इंटू डेल्टा टी बाई टी, 100 से मल्टीप्लाई आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 8। लेंथ गिवन है, फाइंड देयर सम डिफरेंस। इसका 1% 20% नहीं देखना, ये आंसर आगे दोनों आपके डन, इतना ही आंसर है। मुझे नहीं पता इसने परसेंटेज क्यों कैलकुलेट किया है। तो आपको आपको लेंथ में लेंथ बतानी है विद एरर, ऐड करने पे और सब्ट्रैक्ट करने पे, बात खत्म। तो आपके ये दो आंसर्स बनते हैं बस, दैट्स इट, परसेंटेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है 8th डाउट। 8th में लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है, तो एल पता है, बी पता है, और क्या गिवन है, एक्यूरेसी ऑफ 0.2 सेंटीमीटर। एक्यूरेसी का मतलब डेल्टा एल और डेल्टा बी भी गिवन है। ठीक, एरर गिवन है, परसेंटेज एरर इन द एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या पुट करेंगे, एल इंटू बी, तो डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा बी बाई बी। 100 से दोनों साइड्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो आपको डेल्टा एल एल पता है, डेल्टा बी बी पता है, परसेंटेज कैन बी कैलकुलेटेड। इसका आंसर क्या आ रहा है, 2.16 आ रहा है, आ रहा है, ओके ठीक है, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाँ 9 तो बनता है, 9 में थोड़ा है ट्रिक। कितने लोगों का हो गया 9th, वैसे हो गया, तो आपने फॉर्मूला क्या यूज किया 9th में रिलेटिव डेंसिटी का, नहीं उसे आंसर नहीं आ रहा, उसे 3% आएगा, 5% नहीं आएगा। देखो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज फाउंड टू बी या बाय वेइंग द बॉडी फर्स्ट इन एयर देन इन वाटर। तो एयर में उसको हमने वेट किया, फिर हमने उसको वाटर में वे किया और रिलेटिव डेंसिटी निकाल ली। इसको फॉर्मूला देना चाहिए था वैसे, पर इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर वेट एयर में 10 ± 0.1 न्यूटन है और वाटर में 5 ± 0.1 न्यूटन है, तो परसेंटेज रिलेटिव डेंसिटी में क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो मुझे एक बार बताना कि एयर में वेट क्या है, 10 ± कितना, 0.1 न्यूटन है। ठीक है, तो ये ऐसा लिख लेता हूँ, W एयर, और ये क्या है, डेल्टा W एयर। ठीक हो गया, वाटर में बोलना क्या वेट है, 5 ± कितना, 0.1 अगेन। तो इसको लिख लेते हैं W वाटर, और ये डेल्टा वेट इन वाटर। क्या पॉइंट क्लियर है, क्या गिवन है? रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला सुन लो, रिलेटिव डेंसिटी है वेट इन एयर डिवाइडेड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। ये फॉर्मूला यूज होना है, रिलेटिव डेंसिटी इसके इक्वल होती है। ठीक, ये फॉर्मूला उसको देना चाहिए था, नहीं दिया तो मैंने आपको दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला नॉर्मली पता होते हैं। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, फॉर्मूला? तो अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है परसेंटेज डेल्टा आर बाई आर इंटू वॉट, 100। ये आपको क्वेश्चन में निकालना है, कोई डाउट इसमें? इसके अंदर एक काम करते हैं, R इज इक्वल टू वेट इन एयर डिवाइडेड बाई
ऐसा करता हूं, मैं इसको x लिख लेता हूं, साइड पे लिख लेता हूं वेयर x को मैंने क्या लिखा, वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, साइड पे लिख लिया मैंने कि मैंने x को क्या एज्यूम किया। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि डिवीजन के अंदर माइनस प्लस यूज हो रहा है और रेजिस्टेंस इन पैरल के अंदर भी हमने देखा था कि बड़ी मुश्किल हो जाती है इसको करना, हमने इसको मान लिया कि ये x है। तो अब ये डिवीजन है, इसमें डिवीजन का रूल क्या है, डेल्टा आर बाय आर, डेल्टा डब्ल्यू एयर बाय डब्ल्यू एयर प्लस डेल्टा एक्स बाय एक्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब वैल्यूज पुट कर लें, वैल्यूज में क्योंकि आपको परसेंटेज निकालने तो दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो डेल्टा डब्ल्यू एयर 0.1 है, 10 है, ये बताओ x क्या है इसमें, बोलो x की वैल्यू इसमें क्या पुट करूं, कितना, 10 प्लस 5, 10 माइनस 5, क्योंकि x का मतलब क्या है, w एयर माइनस w वाटर, तो एयर माइनस वाटर 10 माइनस 5 5, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, यहां पर क्या आएगा 5। ठीक, अब ये बताओ कि डेल्टा x क्या है, क्योंकि ये दो टर्म्स माइनस हो रही हैं, हमने क्या डिस्कस किया था, एरर्स इनके ऐड हो जाएंगे, तो एरर्स में क्या होगा इसमें 0.1, 0.1 क्या होगा 0.2, ये लो इनटू 100 सॉल्व कर लो, 5% आएगा। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, कितने लोगों ने ऐसा किया, नहीं किया होगा, फॉर्मूला नहीं पता, फॉर्मूला पता था आपको? ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है 9th के बाद 10th, 11th, 12th, 13, डायमीटर ऑफ दिस सिलेंडर गिवन है, तो अगर मुझे रेडियस निकालना है तो क्या करूं, इसको डिवाइडेड बाय 2, इसको भी और इसको भी, दोनों को 2 से डिवाइड करना है, तो r प्लस माइनस डेल्टा r आ गया, लेंथ गिवन है तो l प्लस माइनस डेल्टा l भी आ गया, क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना है तो वॉल्यूम सिलेंडर का होगा क्या, पाई आर स्क्वायर H, तो डेल्टा V बाय V, कांस्टेंट में कोई एरर नहीं, डेल्टा R बाय R प्लस डेल्टा H बाय H, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से दोनों साइड्स को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, डेल्टा R पता है, R पता है, डेल्टा H पता है, H पता है, आंसर। ठीक है, यहां तक कई लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि कब वो मेथड लगाना है जिसमें हम दो बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं करेक्ट और एरर की कैलकुलेशन अलग अलग करते हैं, और कब एक ही बार करते हैं, जिन क्वेश्चंस में परसेंटेज एरर निकलेगा उनको दो बार करने की जरूरत नहीं है, उसमें सीधा एक्सपोनेंट का रूल लगाओ, एक मिनट में आंसर आ जाएगा, पर जिसमें ऐसा निकालना है एरिया विद एरर ए प्लस माइनस डेल्टा ए, फिर ए अलग निकलेगा, डेल्टा ए अलग निकलेगा, वो देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछ रहा है, तो अगर अलग अलग पूछ रहा है ए प्लस माइनस डेल्टा ए यानी कि एब्सोल्यूट एरर पूछ रहा है, तो आपको क्वेश्चन को दो बार सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार करेक्ट वैल्यू के लिए और एक बार एरर की कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, यहां तक डेल्टा रेडियस डिवाइड 0.01/2 मतलब एरर डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 में बॉडी ट्रेवल्स अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस ऑफ, तो कितना ये एस है, ये प्लस माइनस डेल्टा एस है, टी है प्लस माइनस डेल्टा टी है, वेलोसिटी विद एरर लिमिट्स निकालनी है, तो क्योंकि आपको इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू गिवन है एस की प्लस माइनस डेल्टा एस की, टी की प्लस माइनस डेल्टा टी, चारों वैल्यूज गिवन है, आपको वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी होती क्या है एस अपॉन टी, तो आपको दो आंसर निकालने हैं, पहला तो आपको ये निकालना है वेलोसिटी विद एरर, तो आपको दो बार करना पड़ेगा, एक बार वी की कौन सी वैल्यू, करेक्ट वैल्यू, तो ये कौन सी वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू, और ये क्या है इसका एरर, तो करेक्ट वैल्यू में क्या होगा, v इज इक्वल टू s और t पता है, एक आंसर आ गया। फिर एरर की कैलकुलेशन में क्या करेंगे, एरर की कैलकुलेशन में
v इज इक्वल टू s बाई t में डेल्टा v बाई v, डेल्टा s बाई s, डेल्टा t बाई t, ठीक। तो सारी वैल्यूज पुट करके डेल्टा v आएगा, और परसेंटेज निकालने के लिए दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर चारों वैल्यूज पुट करके सीधा परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने किया था वेलोसिटी वाली प्रॉब्लम हमने की थी क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ हो सकता है आंसर में कुछ कुछ किसी क्वेश्चन में गड़बड़ है, मुझे पता नहीं किस में है, बट कुछ कितना आ रहा है, ऐसा ही है क्या, क्या आ रहा है आंसर, किसी एक क्वेश्चन में तो है, मुझे पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है। चलो इन एनी केस 3.08 3.5 आ रहा है, बाकियों ने भी किया होगा, थ्री किसमें, अच्छा आंसर याद नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, मेथड यही है, इट्स ओके डन। एरर हो गया होगा कोई, चैप्टर का नाम एरर है, हो गया हो गया। नेक्स्ट रैंडम एरर, नेक्स्ट है 16th, 17th, 18th में ये c की पावर 4 है, 14 नहीं है, और 19th में, अच्छा आंसर नहीं आ रहा है प्रॉब्लम, अच्छा तो मेथड में कोई दिक्कत, सीरीज पैरेलल में पैरेलल का केस को क्लियर है, हमने लास्ट टाइम किया था, हो जाएगा सॉल्व, ठीक।